कागज के टुकड़े कर लिए, अपने हथेली पैसे रखे, बच्चे के सामने ब्लो किया। हल्का सा प्रेशर देते हैं पूरा लिप्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, ऑटिज्म की सीरीज में हमने पहले वीडियो में देखा कि एक बच्चा जिसको आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने में दिक्कत आती है, अपने मन की बात को नहीं कह पाता है, कैसे उसकी मदद करता है एक स्पीच थेरेपिस्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने में, उसकी अपनी मन की बात कहने में। पहले एक शब्द बोलना सिखाते हैं, फिर दो शब्द, फिर तीन शब्दों तक, जैसे कि मम्मा खाना दे दो। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो ऑटिज़म के बच्चों को कराने से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। तो अजय सर से हम जानेंगे कि कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जो ऑटिज़म के बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट कराता है, या आप अपने घर पे भी करा सकते हैं। ओवर टू अजय सर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं। एक स्टेप हो गया, इसके अगले आएंगे हम टंग को लिप्स पे राउंड, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। टंग को मुंह के अंदर ही मूवमेंट करना है, राउंड करना है। अब टंग को माउथ क्लोज करके अनलिमिटेड मूवमेंट में राउंड करना। तो दोस्तों, इस तरीके से टंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो इसमें जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो हम पकड़ के लेफ्ट राइट या अप डाउन या आउट इन करवा देते हैं, लेकिन जब उनके साथ में जैसे राउंड करना या माउथ के अंदर राउंड करना, ये चीज़ें उन्हें हम नहीं करा सकते। तो उसके लिए हम उनको प्ले वे में, खेल खेल में करा के दिखाते हैं, तो धीरे धीरे वो करने लग जाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उसको भी फॉलो करने लग जाते हैं इस तरीके से। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज है जॉ। जैसे तो ये थी दोस्तों जो एक्सरसाइज, जिसमें कभी एक बार पूरा माउथ ओपन करना है, क्लोज करना है, एक बार पूरा माउथ ओपन करना है लेकिन हाफ क्लोज करना है, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट इस तरीके से ना जो को मूव करना है। तो दोस्तों, अगली आती है ब्लोइंग एक्सरसाइज। तो उसमें सबसे पहले हम टिश्यू पेपर के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, या हमने नॉर्मली एक कागज़ के टुकड़े कर लिए, अपने हथेली पैसे रखे, बच्चे के सामने ब्लो किया, तो बच्चा भी देख के ना इंटरेस्ट लेता है, तो वो भी करने की कोशिश करता है। नॉर्मली हमने एक स्ट्रॉ ले लिया, जैसे जूस पीते हैं वो स्ट्रॉ लाए, हमने टेबल पे टुकड़े गिरा दिए डाल के बहुत सारे पेपर के, और हमने उससे ब्लो करके उसमें करा, तो जब वो टुकड़े उड़ते हैं तो बच्चा भी ना करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगला उसमें आती है कि जैसे हम बॉल्स, वो बबल्स होते हैं, तो बबल्स होती है तो उसमें हमने बबल्स निकाल के उसको बच्चे को ब्लो कराया, हमने किया तो उसने देखा, तो फिर वो भी अपना मुंह लगाता है, प्रॉपर कर नहीं पाता है लेकिन वो कोशिश करता है। उसके बाद आता है दोस्तों ऐसे छोटे छोटे थर्माकोल बॉल्स आते हैं, कलरफुल आते हैं, जो नॉर्मली टॉय शॉप पे मिल जाते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉटल आती है, उसमें वो बॉल्स आप भर लीजिए और उसमें ना फिर स्टोव से ना ब्लो कराइए, तो वो बॉल्स जो मूव करती है ना, तो बच्चा बहुत खुश होता है उसमें, उसको देखे और करने की कोशिश करता है।
तो उस तरीके से करते हैं। अगला आता है उसमें बर्थडे विसल आती है, एक प्लास्टिक का होता है उसके आगे पन्नी लगी होती है, जब उसमें विसल भी होती है वो पूरा क्लोज हो जाती है, और जैसे ही आप प्रेशर देके ब्लो करेंगे तो उसमें विसल वॉच करती है, विसल जब सिटी बजती है ना तो बच्चा और इंटरेस्ट लेता है, तो उसमें भी करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ब्लोइंग एक्सरसाइज कराते हैं। अगली आती है दोस्तों चीक एक्सरसाइज मसाज, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से दोस्तों चीक मसाज करते हैं। इसके बाद आती है गम मसाज, जैसे हल्का सा प्रेशर देते हैं पूरा लिप्स के ऊपर और नीचे वाले लिप्स के ऊपर और थोड़ा थोड़ा साइडों से भी चीक्स पे भी, इसको बोलते हैं गम मसाज। हल्का सा प्रेशर देंगे, ये होती है दोस्तों गम मसाज एक्सरसाइज। अगली आती है लिप तो इस तरीके से लिप एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एक स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे की कैसे मदद करता है उसकी फेशियल एक्सरसाइजेस करवा कर। उसके अलावा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना और साउंड बुलवाना, तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट की बात हो, साउंड बुलवाने की बात हो या चेहरे की एक्सरसाइज करने की बात हो। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं और लगातार सेशंस लेते हैं तो एक सवाल होता है पेरेंट्स का कि कितने सेशंस हमें लेने पड़ेंगे। आमतौर पे हफ्ते में 3 सेशंस लेने पड़ेंगे आपको और ये 6 महीने से कुछ सालों तक भी चल सकते हैं, ये निर्भर करता है बच्चे टू बच्चे, उसकी ग्रैस्पिंग पावर और कितना फास्ट सीखता है। साथ में इस पर भी निर्भर करता है कि घर जाके पेरेंट्स उसके साथ कितनी मेहनत कर पाते हैं या समय दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।